पिछले एक डेढ़ साल में आपने एक वर्ड बहुत सुना होगा, जब भी बीसीसीआई की बात होती है, इंडियन क्रिकेट की बात होती है, और खास तौर पर चयनकर्ता इसके बारे में चर्चा करते हैं, दैट इज वर्कलोड मैनेजमेंट। यानी कि अपने प्लेयर्स को उस तरीके से मैचेस खिलाना जहां पर कि वो कंप्लीटली फ्रेश रहें, अच्छे मूड में रहें और अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाएं, ये वर्कलोड मैनेजमेंट है। लेकिन इसी को लेकर बड़ा सवाल उठा दिया है लेजेंड बल्लेबाज सुनील गावस्कर सर ने, और इस बार गुस्से में उन्होंने बहुत कुछ कहा है जो कि मेरे ख्याल से प्लेयर्स को भी समझना चाहिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए, जब ये इंडियन प्रीमियर लीग खेलते हैं ना हमारे प्लेयर, तो उस समय किसी को भी वर्कलोड मैनेजमेंट की याद नहीं आती है। यानी कि किसी को भी थकान नहीं होती है, किसी को भी रेस्ट लेने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जैसे ही टीम इंडिया के लिए मैचेस खेलने की बात आती है, सबको वर्कलोड मैनेजमेंट, थकान, सारी चीजें याद आने लग जाती है। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई ने भी अपने प्लेयर्स को बहुत ज्यादा पैम्पर्ड करके रखा हुआ, मतलब जरूरत से ज्यादा लाड और प्यार दे दिया, तो प्लेयर्स भी एकदम पैम्पर्ड इतने हो गए कि जब मर्जी तब इनको छुट्टी चाहिए, जब मर्जी तब ये अपने मन के हिसाब से टूर्नामेंट पिक करेंगे, अपने मन के हिसाब से टूर्नामेंट को आप लीव कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस तरीके से क्रिकेट नहीं खेली जाती है। वर्कलोड मैनेजमेंट क्या है? अगर आप फिट हैं तो सारे मैचेस खेलने के लिए अवेलेबल हैं, अगर आप फिट नहीं है तो फिर वर्कलोड मैनेजमेंट का सवाल नहीं है। इसका मतलब आप जाइए एनसीए में फिटनेस कीजिए, दोबारा टीम इंडिया के लिए खेलने के लिए आए। लेकिन इन्होंने एक सवाल किया कि जब आईपीएल में दो महीने, ढाई महीने आप इतने कम समय में इतने मैचेस खेलते हैं, वहां पर ट्रेवल भी आप बहुत ज्यादा करते हैं, उस समय किसी भी इंडियन प्लेयर को थकान महसूस नहीं होती है? उस समय कोई ये नहीं कहता कि मैं अपनी फ्रेंचाइजी के लिए इस बार नहीं खेलूंगा, मैं थक गया हूं, मुझे 5 मैच का रेस्ट चाहिए या इस सीजन में नहीं खेलूंगा। उसमें सभी के सभी जो प्लेयर हैं वो एकदम कूद जाते हैं कि भाई इस बार तो दम लगाना है, इस बार तो इंडियन प्रीमियर लीग का ट्रॉफी जीतना है। लेकिन जैसे ही भारतीय टीम के लिए खेलने की बात आती है, वहां पर वर्कलोड मैनेजमेंट, रेस्ट चाहिए, रेस्ट देने की बातें हो जाती है, जो कि इंडियन क्रिकेट को कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि बर्बाद करने का काम कर रहा है, और इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको क्रिकेट खेलनी है तो पूरी जान लगाकर खेलिए, नहीं खेलनी है तो नहीं खेलिए। इंजरी हो जाती है, दैट इज गुड इनफ। ये हमारा भी मानना है कि अगर इंजरी हो जाती है, ठीक है आप इंजर्ड हो गए, लेकिन जैसे केस में आपको बता रहा हूं केएल राहुल का, आप सोचिए कि इस साल केएल राहुल ने, मैं देख रहा था उनका स्टैट और आपको याद भी होगा, इंडियन प्रीमियर लीग शुरू होने से पहले नाम के मैचेस खेले, नाम के मैचेस टीम इंडिया के लिए खेले, और जैसे इंडियन प्रीमियर लीग में पूरा मैच खेल लिया अपने फ्रेंचाइजी के लिए, उसके बाद आपको याद होगा कि साउथ अफ्रीका सीरीज में उनको कप्तान बनाया गया था, लेकिन भाई साहब गायब, एकदम जीरो बट्टा सन्नाटा, अचानक इंजरी हो गई, वो चले गए जर्मनी, वहां पर यू नो ट्रीटमेंट करवा कर आए, सारा कुछ हुआ, सीधे भाई साहब 2 महीने, 2.5 महीने के बाद जिम्बाब्वे दौरे पर गए, उसके बाद फिर एशिया कप खेल गए, परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि केएल राहुल है वो, केएल राहुल बहुत बड़े प्लेयर। अभी भी मुझे समझ में नहीं आता कि किसने इनको वाइस कैप्टन बनाया और किसकी सोच थी कि इनके कप्तानी, इनको कप्तान के बारे में सोचा जा रहा था। इनसे मतलब कि खराब कप्तान और इनसे खराब प्लेयर मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा केएल राहुल से। ये आईपीएल के बहुत बड़े प्लेयर हो सकते हैं, अपने आपको बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने मैनेज किया है। लेकिन चलिए मैं अपने यू नो जो मुद्दा है उससे भटकना नहीं चाहता हूं। सीधी सीधी बात ये कि सुनील गावस्कर सर ने साफ कहा कि जो वर्कलोड मैनेजमेंट है वो आईपीएल में कहीं पर नजर नहीं आता, क्योंकि वहां पर कोई नहीं थकता, लेकिन जैसे टीम इंडिया के मैचेस की शुरुआत हो जाती है तो वहां पर सबको थकान हो जाती है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि बीसीसीआई को भी ज्यादा पैम्पर्ड करने की जरूरत नहीं है अपने प्लेयर्स को, उनको भी कहना चाहिए कि भाई आप प्लेयर हैं, आप परफॉर्म करते हैं, आप खेलते हैं, उसके बदले में आपको बहुत कुछ मिलता है। एंड आई होप कि बिल्कुल सनी सर ने जो बातें कही हैं वो टीम इंडिया के जो खिलाड़ी हैं उसे उन्होंने गौर इस पर फरमाया होगा या फरमाए, क्योंकि बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर इसी तरीके से क्रिकेट रहा हमारे देश में तो फिर लोगों के मन से क्रिकेट जो है वो उतर जाएगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। लेकिन यू नो ये तो प्लेयर्स के ऊपर में डिपेंड करता है कि वो कैसा परफॉर्मेंस करे ना परफॉर्मेंस करे, लेकिन कम से कम एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इस तरीके का एटीट्यूड होगा तो फिर आई होप यू नो कि फिर क्रिकेट से लोगों का जो मन है वो उचट जाएगा, लोग फिर क्रिकेट देखना नहीं पसंद करेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय जो नई टीम आई है जिम्बाब्वे में, जो न्यूजीलैंड में जो परफॉर्मेंस करेगी यंगस्टर, वो कम से कम हंगरी नजर आए, वो भूखे नजर आए, परफॉर्म करें, वो डिटर्मिनेशन दिखाएं, डिसिप्लिन दिखाएं, एंजॉय भी करें, लेकिन परफॉर्मेंस आना चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ की जो सनी सर की बात है उसे टीम इंडिया के सभी प्लेयर यू नो बिल्कुल ध्यान से सुने होंगे और देखते हैं कि किस तरीके से आने वाले समय में टीम इंडिया परफॉर्मेंस करती है। लेकिन आप बने रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ में, इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे।